जयनगर आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि वीक में दो दिन चलती है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन दोपहर 12 बजे जयनगर से निकलती है और आपको आनंद विहार टर्मिनल ANVT सुबह 8:20 पर पहुंचाती है। ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 1252 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये ट्रेन आपको 20 घंटा 30 मिनट में जयनगर से न्यू दिल्ली पहुंचाती है। तो ये थी ट्रेन की अधूरी जानकारी, अब है आपके भाई की बारी। और हाँ, सरप्राइज है, आज आपका भाई अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रहा है। बने रहिएगा, अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हूँ और ट्रेन यहाँ आने वाली है, उसके बाद फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इसको टेढ़ा कर लीजिए। सो गाइज, फिलहाल अभी हम आ गए हैं अपने कोच में और अपना सीट है 70 और 73। ये रहा नीचे वाला सीट, ये रहा मम्मी का सीट। मम्मी हाय बोलो। तो अभी देख सकते हैं लगेज वगैरह यहाँ रखा हुआ, क्योंकि जगह नहीं है, पहले से ऑलरेडी पूरा पैक है। तो ट्रेन निकलती है समस्तीपुर से, उसके बाद फिर अपना लगेज एडजस्ट किया जाएगा। और साथ में दो भाई आया था आज छोड़ने के लिए। ये है, क्या नाम भाई? प्रशांत। प्रशांत और विकास। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। सो गाइज, अपनी ट्रेन निकल चुकी है समस्तीपुर से और यहाँ इस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था। तो अब आपसे मिलेंगे हम बड़ौनी, जी हाँ, जहाँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव को चेंज किया जाएगा। और अभी डीजल लोकोमोटिव है इसमें, गोंडा का। बाय बाय समस्तीपुर, मिलते हैं 2 महीना बाद फिर से। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बरौनी, जिसका स्टेशन कोड है BJU बरौनी जंक्शन। और यहाँ इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है। अगर बरौनी जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1883 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2001-2002। और एक बात, यहाँ एवरी डे 160 ट्रेन आके हॉल्ट करती है और यहाँ से 17 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 17 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और यहाँ 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है यहाँ लोकोमोटिव को चेंज किया जाता है। तो गाइस, ये रहा अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, आप देख सकते हैं आ रहा है। और यहाँ से डीजल लोकोमोटिव हटा दिया गया है, आप देख लें। बरौनी से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ये ट्रेन चलेगी, WAP 4। और लोकोमोटिव है WAP 4 कानपुर का, आप देख सकते हैं यहाँ ज्वाइंट होगा। देखिए
देखा किस तरह लोकोमोटिव चेंज किया जाता है, और इस ट्रेन में 18 कोच है, तो G7 से यहाँ तक आए हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई को, एक लाइक कर देना और हाँ शेयर जरूर करना। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी इंतजार कर रही होगी। अकेला जर्नी करना इजी है, लेकिन फैमिली के साथ जर्नी करने में प्रॉब्लम होता है। फ़ोन कर रही है, पूछ रही है कहाँ है, आ जाओ ट्रेन निकल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कोच में, फिर आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चकिया थर्मल पावर। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मोकामा, जिसका स्टेशन कोड है MKA, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। मोकामा स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 118 ट्रेन हॉल्ट करती है, और यहाँ से 8 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 8 ट्रेन टर्मिनेट होती है, और अब तक ये ट्रेन 10 मिनट डिले है। देखिए ANVT टाइम से पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती है। भागलपुर गरीब रथ में क्या हुआ था भाई के साथ पता है, 2 घंटा डिले। इस गरीब रथ का क्या कंडीशन है ब्लॉग पूरा देखिए पता चलेगा। और लग रहा है अभी ठंड, तो अभी जाते हैं जैकेट पहनेंगे, तब तो आपको अगला स्टेशन दिखाएंगे। गाइस आपको जानकर एक बात आश्चर्य लगेगा, पहली बार है आज मम्मी के साथ जर्नी कर रहे हैं, और मम्मी का पहला गरीब रथ है। कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? छोटा स्पेस है बता रही है, हाँ मत बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ क्या खाना में क्या लगेगा? लिट्टी और चटनी, आपको पता है। अच्छा लिट्टी चटनी काय बना सुविधा के बिहार का लोग अगर बाहर जाता है तो लिट्टी जरूर बना के लेना, क्योंकि सुविधा होता है ले जाना ना मान लो। लेकिन हम तो खाते नहीं लिट्टी, हम तो खाए नहीं। तुम बनाई है तो दो तो खाइए ना। तो अभी हम लोग पहुँचेंगे कुछ देर में बख्तियारपुर स्टेशन, तो फिर आपसे मिलते हैं, मुलाकात होती है बख्तियारपुर जंक्शन में। ठीक है, हाँ जी, तो अब आपका भाई पहुंच चुका है बख्तियारपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BKP, और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट। बख्तियारपुर जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 125 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है, और यहाँ से 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 3 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और भाई का जैकेट कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद मुलाकात होगी अपनी राजधानी पटना। जी हाँ, मिलते हैं पटना।
आज अभी अपनी ट्रेन बख्तियारपुर जंक्शन से निकली है और यहाँ पे कोच का क्या कंडीशन तो बदलाव हुआ, चेंज हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं सब पैसेंजर हैं जो जाएंगे बक्सर, सब बक्सर जाना है ना। ये सब हैं बिना टिकट के, ठीक है, सब बक्सर जाएंगे और बोल रहे हैं, रीज़न बता रहे हैं कि हम गरीब हैं, टिकट नहीं है। आप बताइए क्या इनका रीज़न सही है, बताइए कमेंट सेक्शन में। बख्तियारपुर से बक्सर कितना डिस्टेंस होता है? अरे कहीं भी जाना है ना, कुछ लोगों को बक्सर भी जाना है ना, बक्सर में जाना है। इस रूट में ना इस ट्रेन का यही इज्जत है, और वैसे भी गरीब रथ है ना तो यही होगा ही, गरीब है, गरीब रथ है इसलिए फ्री में जा रहे हैं क्या? सही बात है, गरीब आदमी। हाँ जी, तो अब आपका भाई पहुंच चुका है अपनी राजधानी पटना और यहाँ इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और पटना स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1862 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 2003 और 2004 के बीच में। और हाँ भाई, जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो अपना सब्सक्राइबर यहाँ मिले हैं भाई, क्या नाम है भाई? त्रिभुवन झा। कहाँ से हैं? पटना। पटना से ही है, और पहचान कैसे का? देखे सकल पहचान गया ना, वीडियो कैसा रहता है? एक नंबर। एक नंबर आता है, और कुछ सुधार करना है या सही है? वीडियो सही है ना, शेयर कीजिए, सब शेयर करते हैं ना। जी जी, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए भाई, आप सपोर्ट कीजिएगा हमको तब ना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब कहाँ, कौन से ट्रेन से जाना है? यहाँ से दिल्ली जाना है? अच्छा, जाइए जाइए, चलिए ठीक है। भैया भैया भैया, पानी, एक पानी, एक ठंडा पानी दीजिएगा। ऐसा कर लो। तो गाइस एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया था, सब्सक्राइबर आ गए थे। पटना स्टेशन पे पर डे 128 ट्रेन आकर हॉल्ट करती है और यहाँ से 65 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 65 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और हमने पानी ले लिया क्योंकि मम्मी को चाहिए था पानी। और अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो यहाँ से रोजाना 5 से 6 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं इस स्टेशन से। तो चलिए चलते हैं अंदर। गाइस कमेंट सेक्शन में जाके अधिकतर लोग ये बोलते हैं, भाई अगर आप पानी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो बिल नहीं मिलता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, भाई को बिल भी मिलता है लेकिन भाई लेता नहीं है क्योंकि समय कहाँ है भाई के पास। लेकिन आज मैं बिल लूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। और आप भी कोई सामान ले तो बिल ज़रूर ले, ठीक है। अगर जल्दीबाजी में है तब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कहीं भी ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, अगर भैया अगर बिल फाड़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल बन रहा है। ट्रेन यहाँ लगभग आधा घंटा डिले पहुँचाई है और अभी तक रुकी हुई है। अब आगे देखिए आनंद विहार टर्मिनल तक ये ट्रेन टाइम से पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती है। वैसे तो आपको पता ही है सब गरीब रथ का पंक्चुअलिटी कैसा है, आपको तो पता होगा ही। नाम लिखे सर? कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप बिल दे दिए अपना ही काफी है। देखिए बिल नहीं देते इनके पीछे रीजन है, कितना प्रॉब्लम होता है। आप देखिए बिल लिखना फाड़ना, समय कहाँ है? 2 मिनट का होल्ड होता है, लोग को ये पानी देंगे ठंडा देंगे कि बिल फाड़ेंगे, यही सब प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। बिल कहीं भी जाएगी, नियम चेंज हो गया, ठीक है। पानी लेना स्टेशन पे कुछ भी लेना है तो बिल लेना पड़ता है, कुछ
भी लेगी तो बिल लेना जरूरी, मांगना जरूरी, ठीक है। जल्दीबाजी में लोग नहीं लेते हैं, बात अलग है, लेकिन मेरा तुम्हारा फर्ज बनता है बिल लेना, ठीक। आपको भी मैं बता रहा हूँ। सो गाइस, अपनी ट्रेन पटना से निकल चुकी है और एक घंटा ट्रेन यहाँ रुकी, पता नहीं क्या रीज़न था। आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ टाइम था 6:45 और अभी बज रहा 7:45, एक घंटा तो पटना में ही डिले हो गया ट्रेन। अब आगे देखिए ANVT टाइम से पहुँचाती है या नहीं पहुँचाती। तो आप पटना स्टेशन का स्किप देखिए, मोमेंट्स लेटर। सो अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं दानापुर और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था और मैं बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि भीड़ लगा रहा था। तो अब बस सोना है, अभी नहीं, आराम में मिलते हैं आपसे। जी तो अभी हम लोग आ चुके हैं आरा, जिसका स्टेशन कोड है ARA और अब तक हम लोग डिस्टेंस कवर कर लिया है 209 किलोमीटर। और आरा स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ 121 ट्रेन एवरीडे हॉल्ट करती है और यहाँ से 60 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 60 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और एक बात पता है आपको, आरा का नाम आरा क्यों पड़ा? माता अरण्या देवी के नाम के कारण यहाँ का नाम आरा पड़ा। तो 2 मिनट का हॉल्ट है, मिलते हैं आपसे अगले स्टॉप पे। और बेड उड लग चुका है, मम्मी सो रही है और मैं भी सोऊंगा, बस एक दो स्टेशन और मैं कवर कर लेता हूँ फिर उसके बाद। हाँ हमारा बोले चाहिए। हाँ जी, तो अभी आपका भाई आ चुका है बक्सर, जिसका स्टेशन कोड है BXR और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बक्सर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एवरीडे 115 ट्रेन हॉल्ट करती है और यहाँ से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 6 ट्रेन टर्मिनेट होती है। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, दिख रहा है। तो अब आपका भाई जा रहा है सोने, आप भी जाइए सोने, मुलाकात होगी अर्ली मॉर्निंग। तब तक के लिए गुड नाइट और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, पता है ना, सुबह मिलते हैं आपसे। 10:01 आपको दिख रहा होगा यहाँ, हाँ। और ट्रेन जो है ना अभी 50 मिनट डिले चल रही है। अब देखिए कल मॉर्निंग मिलते हैं आपसे, तब पता चलेगा कितना डिले पहुंचाई है ट्रेन। बाय बाय बक्सर। नेक्स्ट मॉर्निंग। मॉर्निंग, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और आपको दिख रहा होगा। और इस ट्रेन का टाइम कितना बजे था ANVT पहुंचने का? 8:20 और ट्रेन लगभग 4:30 डिले चल रही है। कहने का मतलब ये हुआ, ये ट्रेन हमें 12 बजे के बाद पहुंचाएगी ANVT। और लेट होने का रीज़न क्या है आपको पता है? फॉग। और वैसे पटना में डिले ट्रेन 1 घंटा डिले थी, 1 घंटा वहाँ रुकी, वहाँ क्यों रुकी ये बात तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद तो मैं देख रहा हूँ फॉग काफ़ी था, इस वजह से ट्रेन 4 घंटा डिले चल रही है। और रात में आपके भाई को नींद भी नहीं आया, इसके पीछे भी रीज़न है, क्या रीज़न है आप देखिए।
अभी हम लोग कुछ देर में इटावा जंक्शन स्किप करेंगे, तो वो आप देखिएगा। और हाँ, इटावा में इसका स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये ट्रेन सीधे रुकेगी अब अलीगढ़, तो वहीं मैं उतर के दिखाऊंगा। वैसे मैं स्किप दिखाऊंगा, तैयार रहिएगा देखने के लिए। गाइस, आपने देखा इटावा स्टेशन का स्टेशन। और एक बात मैं आपको बता दूँ, इस ट्रेन का नंबर चेंज हो चुका है। इस ट्रेन का नंबर है 12435 से 12435 हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपको भी प्रॉब्लम हो। और हाँ गाइस, मम्मी भी उठ गई है और तब ट्रेन लेट है 4:30। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है। चलो ठीक है, ठंडा भी लगा रात में? नहीं लगा। रात में ये हुआ था ना कि एसी को पूरा फुल तेज कर दिया गया था। इसके पीछे लोग तर्क देते हैं कि बिड रोल बेचने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा। फिर बाद में जाके स्टेबल किया गया, जब बोले जाके दोबारा, यही सब है। और हाँ, रहा बात इंटीरियर दिखाने का, तो भाई इससे पहले आपका भाई गरीब रथ कवर कर चुका है दो, तो इंटीरियर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और रही बात वॉशरूम की, तो मैं कोशिश करता हूँ वॉशरूम दिखाने का। वैसे तो देखने लायक है नहीं, आपको तो पता ही है इस ट्रेन का वॉशरूम का क्या कंडीशन होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने का। अभी रुक जाइए, कुछ देर वेट कीजिए, मैं दिखाऊँगा ज़रूर। सामने आपको यहाँ मिरर मिलेगा, बेसिन है, टैप है और पानी आ रहा है, सोप होल्डर है और ये है डस्टबिन का हाल, नीचे डस्टबिन है। और एक असुविधा आपको हर गरीब रथ में मिलेगी, ये कि यहाँ स्टाफ का सीट आप देख सकते हैं, वो भी बेसिन के पास, गेट के पास, हर कोच में आपको स्टाफ का सीट मिलेगा। आप वहाँ भी देख सकते हैं, उधर दिख रहा होगा स्टाफ का सीट। तो इसमें होता क्या है ना कि प्रॉब्लम होता है, तो पैसेंजर अगर आते हैं तो फिर बेसिन में अगर कुछ काम करना है, वॉश करना है, तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्टाफ सीट यहाँ लगा हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वॉशरूम। ऐसे आप देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, आप देख ले कितना साफ है, देख रहे हैं ना। और ये रहा वॉशरूम, आप देख सकते हैं वॉशरूम का कंडीशन, पूरा नीचे पानी, मिरर, बेसिन गंदा, पानी तो आ रहा है। ये देखिए सोप होल्डर, आप देख रहे हैं, तो ये हाल है वॉशरूम का, बहुत गंदा। मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं दिखा दिया हूँ, और नीचे तो मैं नहीं दिखाऊंगा, बदबू आ रहा है, जा रहे हैं बाहर।
hours later. 5 घंटा डिले के बाद अभी फिलहाल हम लोग रुके हैं हाथरस जंक्शन, जहां इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है और ट्रेन यहां रुकी हुई है और 5 घंटा डिले है। देखिए कब पहुंचते हैं अलीगढ़। यहां कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था फिर भी ट्रेन रुकी है, साइड सिग्नल नहीं है इस वजह से। देखते हैं कौन सी ट्रेन आने वाली है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लखनऊ न्यू दिल्ली इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का क्रॉसिंग था, तो इस ट्रेन को निकालने के लिए गरीब रथ को रोका गया, क्योंकि अगर ट्रेन 1 घंटा भी डिले होती है तो पैसेंजर को 100 रुपया देना पड़ता है। इस वजह से गरीब रथ को रोका गया और तेजस एक्सप्रेस को निकाला गया, आपने देखा ना। चलिए मिलते हैं अब आपसे आगे। पाँच घंटा 20 मिनट डिले के बाद अब जाकर हम लोग पहुँचे हैं अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ALJH और यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अलीगढ़ जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1865 और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इन द ईयर 1975 और यहाँ एवरी डे 88 ट्रेन आगे हॉल्ट करती है और यहाँ से 5 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और देखिए आनंद विहार कब पहुँचाती है। ट्रेन ऑलरेडी 5 घंटा 20 मिनट डिले हो चुकी है, तो अब तक का सबसे बेकार जर्नी था मेरा। फाइनल डेस्टिनेशन ANBD और ट्रेन 5 घंटा डिले पहुंचाई है, तो अपनी 1252 किलोमीटर की जर्नी यहीं समाप्त हुई। तो पहले चलते हैं अंदर और फिर लगेज लेते हैं, क्योंकि मम्मी अंदर ही है, फिर से आपसे बात करते हैं। और कैमरा का बैटरी भी लो हो गया, फिलहाल मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो फिर अपडेट करते हैं कुछ देर में लगेज लेने के बाद। लगेज हम लोगों ने ले लिया है और मैं बात करता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो ये ट्रेन 19 3rd AC कोच के साथ चलती है, जिसमें भागलपुर गरीब रथ का रेक शेयर किया जाता है। अगर रही बात फेयर की, अगर फेयर की बात करूं तो मेरा फेयर पड़ा था 980 और उसी में बेड रोल इंक्लूड था। अगर आप चाहें तो अलग से भी बेड रोल ले सकते हैं, कोच में आपको मिल जाएगा। तो इस जर्नी को ही लास्ट करते हैं और अब तक का सबसे ख़राब जर्नी रहा ये 5 घंटा डिले, आप समझ सकते हैं। लगेज आप देख रहे हैं, तो लगेज लेके पहले गाड़ी में रखते हैं फिर आपसे बात करते हैं। जर्नी अब तक की सबसे गंदी और सबसे ख़राब जर्नी थी गरीब रथ एक्सप्रेस की और एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, आपने वीडियो में देखा ही। और कैसा था मम्मी गरीब रथ?
जाएगी फिर से जाएगी गरीब रथ में? अब नहीं जाएगी, मम्मी भी बोल रही नहीं जाएंगे। पता नहीं क्यों, जब गवर्नमेंट गरीब रथ एक्सप्रेस को बंद कर रही थी तो सभी लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं बंद होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है गरीब रथ एक्सप्रेस बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत अनकम्फर्टेबल उसमें फील होता है। ना आप लगेज रख सकते हैं सही से, ना ही आप सही से लेट सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। उससे बढ़िया कि गाड़ी को बंद कर दे, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगे, कोई दूसरा ट्रेन उसकी जगह पे चले, एसी कोच हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, और ऊपर से इतना गंदगी, और उसके बावजूद गवर्नमेंट तो चाह रही थी कि ट्रेन बंद हो जाए, लेकिन लोगों का विरोध के कारण पीछे ट्रेन को रेगुलर किया गया। चलिए सबकी अपनी अपनी राय है, मैंने भी अपना राय दिया। मेरा ऐसा मानना है कि गरीब रथ एक्सप्रेस को बंद कर देना चाहिए। तो इस जर्नी को यही लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में फिर से। अब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, खाते रहे, पीते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी तरह अपने भाई के साथ लगातार जर्नी करते रहे। कैमरा का बैटरी लो हो गया तो ये जो वीडियो क्लिप बन रहा है ना, मोबाइल से बन रहा है। सो सी यू सून, टिल देन पीस, बाय बाय बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, पता है ना, मम्मी से भी करते हैं और आपसे भी। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।